जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज सत्यम सिद्धाश्रम में 27वें मिशन के दो भक्त शिव कुमार व उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी जी का मोहित जाधवन जी ने प्रेम पुण्या व्रत व उसका वैवाहिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको लेकर जानकारी ली। आइए देखते हैं मोहित जाधवन जी के शिव कुमार जी से व उनकी धर्मपत्नी से बातचीत के कुछ अंश। जय सत्यम सिद्धाय नमः। नमस्कार, मैं मोहित जाधवन 27वीं मिशन की तरफ से आज जो मेरे साथ गेस्ट आए हुए हैं मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। आपका नाम? शिव कुमार। सत्यम सिद्धाय नमः, राजकुमारी बोल रही हूं। शिव कुमार जी, आपके माता पिता का क्या नाम है? पिताजी के नाम श्री रामकिशन सिंह और माताजी के नाम श्री वीरमती देवी। और राजकुमारी जी, क्या आप अपने माता पिता का नाम बताएंगी? अपने हरिराम सिंह, ओमवती सिंह, ओमवती। और शिव कुमार जी, आपका व्यवसाय क्या है? आप नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? ये मेरा अपना व्यवसाय है, पेंटिंग का मेरा व्यवसाय है। छोटे मोटे ठेके लेते हैं और हाथ से भी काम करते हैं। और आइए ये जानकारी प्राप्त करते हैं राजकुमार जी से, आप शायद हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं? जी हाँ। शिव कुमार जी, आपकी शादी कितना दिन हो गए? शादी को हमारे को 23 साल के करीब हो गए हैं और 12 मई 1996 दिन रविवार हमारी शादी हुई थी। अच्छा राजकुमारी जी, एक बात आइए, आपके बच्चे के बारे में जानकारी, कितने बच्चे हैं, क्या क्या उनकी उम्र है? 3 बच्चे हैं, एक लड़की है सबसे बड़ी, 2 लड़के हैं। लड़की का नाम? लड़की का नाम शिवानी। उम्र? उम्र 21 साल में चल रही है और लड़का 17वीं में चल रहा है। एक उसका क्या नाम है? रोहित। अच्छा। और छोटा 12 13वीं में चल रहा है, उसका नाम विजय। अच्छा, जब आपकी शादी हुई, ऐसा कोई शादी में या पूरे फंक्शन में कोई ऐसा पल जो आप कभी नहीं भूल सकते, आपको याद रहे, आपका यादगार पल कोई हो तो जरा हमें बताने कष्ट करेंगे? ये सोचना पड़ेगा, एक सवाल ऐसा कर दिया आपने कि हमें पीछे जाना पड़ेगा 23-24 साल पीछे। हाँ, जब हमारे फेरे पड़ रहे थे तो इनकी जो छोटी सिस्टर थी वो बखर गिर गिर गए, बेलन बजा रही थी हमारे ऊपर, तो वो पल हमें आज भी ध्यान है। अब यही सवाल मेरा राजकुमार जी से होगा कि आपकी शादी का कोई ऐसा पल जो आप आज भी आपकी याद करती हैं, अभी आपको सामने आ जाता हो, जरा हमें बताने का कष्ट करेंगी? जी हाँ, जब मेरा टीका हो रहा था, जब मतलब होरी होने लगी ही, तब मुझे मतलब एकदम गुस्सा से आई, मैं उठकर टीके पे अंदर चली गई। सब लोग एकदम हंसने लगे कि देखो जी कैसे मतलब अंदर उठ के चली गई, मैं चली गई एकदम शर्म के मारे। जी इतना। अच्छा शिव कुमार जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपकी जो मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, वो आप हर साल मनाते हैं या कभी कभी या नहीं मनाते, उसके बारे में? देखो जी, बस तो हमने अभी तक मनाई नहीं है शादी सालगिरह, हमने मनाई नहीं है, कभी ध्यान नहीं रहता, कभी काम धंधे बिजी रहते हैं और यही समझो मनाई नहीं है अभी तक हमने। वैसे क्या आपको नहीं लगता आपको इम्पोर्टेंट दिन मिस कर देते हो अपना? नहीं लगता तो है, फील भी होता है कभी तुमने शादी सालगिरह ना मना रहे, लेकिन मजबूरी में कुछ मन मार के रह जाते हैं, मना नहीं पाते। नहीं, आप चलो धूमधाम से ना मनाओ, कम से कम आप पति पत्नी दोनों मिलके छोटे स्तर से अपने आपस में सेलिब्रेट कर सकते हैं। ना, मेरे ध्यान तो रहती है, हमें एक दूसरे ध्यान दिला देंगे, आज हमारी शादी की सालगिरह है, हम तो उसी में खुश हो जाएं एक दूसरे सुन के। अच्छा राजकुमारी जी, आप बताइए, आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी शादी की सालगिरह नहीं मनाई जाती? या बुरा लगता है पर क्या करें, मजबूरी है आगे। क्या मजबूरी है? मतलब जब यही मतलब ऐसा करते हैं तो फिर मैं भी चुप लगा जाती हूँ, तो बोलते हैं खाना बना लेना, बस खाना बना के अपने ऐसा ही मतलब बच्चे को खुश करते हैं, बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा की साल शादी की सालगिरह आज, बस इतना ही कर लेते हैं। तो शिव कुमार जी, कभी आपने चलो भूल गए आप माने नहीं मनाते वो विषय, कभी आपने राजकुमार जी को गिफ्ट दिया है शादी की सालगिरह पे? देखो शादी की सालगिरह ही ना मनाई अभी तक, तो गिफ्ट क्या देते? और फिर गिफ्ट तो मेरे हिसाब से वहाँ दिया जाता है जहाँ आप दूर हो खुश करने के लिए, हम तो पास ही रहते हैं, हम तो एक दूसरे के लिए खुद ही गिफ्ट हैं। देखिए अभी अपनी विचारधारा, बाकी ऐसे मौके पे कुछ आपको मिस नहीं होता कि आपको आपके शिव कुमार जी कोई कोई गिफ्ट नहीं देते हैं?
वो तो आए क्या करें, जब नहीं दे मैं तो बहुत कहती हूँ मतलब गिफ्ट ला के दो मुझे शादी के सालगिरह पे, मतलब देते नहीं है तो फिर हम भी कुछ नहीं कहते हैं, चुप लगा जाते हैं। अच्छा मैं राजकुमार से एक सवाल करना चाहूँगा, आप शिवकुमार जी को किस नाम से पकड़ती हैं प्यार के? पेंटर साहब। और शिवकुमार जी आप राजकुमार जी को किस नाम से पकड़ते हैं? चंपा के नाम से पकड़ते हैं हम प्यार से। अच्छा शिवकुमार जी एक बात बताइए, आपको राजकुमारी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है और ये चुप लगा जाती हैं, तो वही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और इनकी सबसे बुरी बात जो आप चाहते हैं कि ये अपने व्यवहार में अपने जीवन में जो सुधार आप चाहते हैं इनसे भविष्य में, कि जो आपको अच्छी बात नहीं लगती हो? वो ये लगती है कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो उसे टोकना चाहिए, वो इसको नहीं टोकती है, इसलिए मुझे ये बात बुरी लगती है। अब यही सवाल मैं राजकुमार जी, आपको पेंटर साहब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? मतलब सब बात अच्छी लगती है, मतलब जब ये गुस्से में होते हैं जब ये एकदम खिल्लाते हैं तो एकदम मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत तगड़ा गुस्सा आता है कि कुछ कर बैठो, फिर मैं एकदम जहर का सा घुट भर के रह जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ आगे को जी इतना। मतलब आप आपके अनुसार इन्हें गुस्सा आता है, गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है पिंटर साहब, ये आपके लिए एक वो है। और मैं आपको पीछे बता देना चाहूँगा कि मैं शिव कुमार जी और हम लगभग 15 साल की उम्र से साथ हैं, इसलिए जहाँ भी झूठ बोलेंगे वहाँ मैं पकड़ लूँगा इन्हें और अगे हाथों रेड हैंड पकड़े जाएंगे, इसलिए कृपया करके सत्य का ही उपयोग करें। शिव कुमार जी एक बात पूछी थी, क्या कभी आपने अपनी पत्नी राजकुमारी से कभी झूठ बोला है? थोड़ा बहुत तो देखो बोला भी होगा, हमें ध्यान ना है, शायद बोला भी हो, मान लो जैसे हम कहीं जा रहे हैं झूठ बोल के कि हम जा रहे हैं कहीं और हैं, बता रहे हैं कहीं और हैं, तो ऐसे झूठ कई दफ़े बोला है। नहीं ये तो झूठ चलो हो छोटे, कोई ऐसा झूठ जो जान में जानबूझ के बोला हो? ना ऐसा तो कोई ना बोला। आपने कभी पेंटर साहब झूठ बोला? नहीं नहीं झूठ बोला। अच्छा पेंटर साहब एक बात आइए, आपके साथ लगभग 23 साल हो गए साथ रहते हैं दोनों को, आपको राजकुमारी जी के मतलब किस ड्रेस में आप इन्हें देखना चाहते हो, कौन सी ड्रेस में ये आपको अच्छी लगती है? देखो मुझे तो साड़ी में सबसे अच्छी लगती है, यही हमारा एक असली पहनावा है, और तो मुझे ना साड़ी सबसे अच्छी बेटर है। आपको आप कौन सी ड्रेस या कौन से कपड़ों में आप आपको देखने में अच्छा लगता है, चाहती हैं कि कौन से कपड़े पहने बताएंगे? कुर्ते पजामे में मतलब अच्छे लगते हैं ज़रा, पर पहनते नहीं हैं, पेंट बुरशट ही पहनते हैं, मतलब जब शनिवार को आते हैं कुर्ते पजामे पहन के अच्छे लगते हैं, मतलब मैं कहीं कि यही ड्रेस घर पे पहनते हैं तो घर पे पहनते नहीं हैं, मतलब पेंट बुरशट ही पहन रहे हैं। अच्छा शिवकुमार जी बताइए, कभी आपने देखो वैसे हमारी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, कभी आपने कुछ समय निकालते हैं दिन में सिर्फ राजकुमारी जी के लिए कि हम 2 मिनट बैठ के बात करेंगे, या कुछ ऐसे कभी समय दिया है ना देते हैं रोज़? ना दे तो ना पाते, लेकिन सोचते बहुत हैं निकालें समय, लेकिन बच्चों की वजह से इस समय ना निकाल पाते कि हम पास बैठे हैं, भागा भागी रहती है। मतलब इच्छा है लेकिन अपने व्यस्त दिनचर्या में इस तरह से घिरे हुए हैं कि ये हो नहीं पाता। हाँ यही वजह है हम टाइम निकाल नहीं पाते, लेकिन इच्छा बहुत करती है। क्या आपका मन करता है कि दोनों पास बैठे हैं बात करें? जी हाँ करता है मन, दोनों बैठ के बात करें हम, पर बच्चे आ जाते हैं फिर हम चुप लगा जाते हैं, फिर बात नहीं कर पाते हम। पेंटर साहब घर घर की कहानी है, पति पत्नी और माता के बीच में कोई विवाद होता है, ये हर घर की कहानी है, हर घर में होता है। अगर कभी आपकी पत्नी और माता के बीच में विवाद होता है तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं? देखो पहले हमारे यहाँ तो वैसे होता नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसमें हम इग्नोर करते हैं, भाई तुम जानो दोनों जन कैसे करोगे। अच्छा राजकुमार जी बताइए, कभी आपकी सास के साथ कभी हो जाता है, हर घर में होती है, माँ बेटी में हो जाती है, सास बहू में हो जाती है, तो उस समय आप इनसे क्या अपेक्षा रखती हैं, इनका क्या व्यवहार होना चाहिए? मतलब सास बहू में हमें होती हुई नहीं आज तक लड़ाई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये नहीं कि मैं कि मतलब मम्मी का थोड़ा बहुत काम करो, जाकर मम्मी का हाथ बटाओ, तो मैं भी कहती हूँ कि अच्छा लगता है हमें बड़े बूढ़े की सेवा करने में, जब मेरे के सेवा लाख होंगे तो जब सेवा कर देंगे, अभी तो खुद ही उनके पेट चल रहे हैं, अभी तो वो खुद ही और इनकी सेवा कर रही हैं,
तो फिर इस मारे हम चुप लगा जाते हैं, पर मेरा अच्छा लगता है मुझे, मतलब सेवा करूँ मैं। अच्छा बताइए, कभी वैसे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या कभी आपने राजकुमारी सेवा की है? हाँ एक दफ़े करिए। जरा पल को बताना चाहेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा ही, तो जब मैंने सेवा करी थी। नहीं वो तो मजबूरी है, वो तो हम गृहस्थ में हैं, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। कभी आपने जब ठीक ठाक हो, कभी आपने ये चाय बना के दी हो या कहीं पानी ला के दिया हो, कभी इस तरह से बताइए। हाँ ऐसे तो एक दो बार दिया है ला के, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, हम तो भागम भाग रहे हैं, लेकिन सोचते हैं। अच्छा बताइए राजकुमार जी, देखो पत्नी का कर्तव्य तो होता है सेवा करने का, मानता हूँ आपने तो किया, आपसे क्वेश्चन करना ही बेकार है, लेकिन क्या ये शिव कुमार जी जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सच कह रहे हैं, मतलब करिए ना। नहीं करी जी। ये गृहस्थ है, गृहस्थ में पति पत्नी भी प्यार भी होता है, मनमुटाव भी होता है, क्या आपको कभी राजकुमार जी डर लगता है किसी बात पर? हाँ डर लगता है मुझे कभी कभी। किस बात पर? जैसे कभी कभी हमें कुछ तू दुम हो जाती है तो डर लगता है कहीं कुछ अपने आप को करना ले। अच्छा। ये डर लगता है। और यही सवाल मैं राजकुमार जी से पूछा जाऊँगा, राजकुमार जी आपको पेंटर साहब से डर लगता है या नहीं? जी लगता है डर, तो जब के गुस्से में रहते हैं, जब मुझे मतलब के गुस्से में रहते हैं मुझे खुद डर लगता है इस बात पर, मेरे कभी हाथ नहीं छोड़ दें। अच्छा। अब बच्चों के सामने मतलब खुद शर्म सी लगती है, पर ऐसा कर नहीं सकते, मतलब ये खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को। अच्छा शिव कुमार जी, मैं आपसे सब पूछ लूँगा, क्या आप अपने पार्टनर से, अपनी पत्नी से, राजकुमार जी से प्रेम करते हैं? हाँ बहुत करते हैं। और राजकुमार जी आप? करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप ये भी करते हैं, दोनों करते हैं प्रेम तो कर। अच्छा शिव कुमार जी को बताइए, कभी कभी ऐसा होता है गृहस्थ में के राजकुमार जी परेशान होती हैं अपने कुछ, तो आपको इनके आचार व्यवहार चाल ढाल से पता लग जाता है या राजकुमार जी बताते हैं जब पता पड़ता है आपको कि परेशान है? ना देख के पता पड़ जाता है, मैं 23 साल हो गए मैं साथ रहते रहते, प्रेम करते लड़ते झगड़ते, तो देखते पता लग जाता है कि आज ये परेशान है। तो उसके बाद आप खुद ही पूछते हैं इनसे या इंतजार करते हैं कि राजकुमार जी आए खुद बताएं मुझे कि मैं परेशान हूँ, या आप अपने आप पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हो? देखो जैसे टाइम मिलता है मैं खुद ही पूछ लेते हैं भाई क्या बात है आज कैसे परेशान है, फिर ये बताते हैं कैसे परेशान है, मैंने चलो। अच्छा राजकुमार जी ये सवाल मैं आपसे पूछ जाऊँगा, जब पेंटर साहब परेशान होते हैं तो आप पहचान जाती हैं या पेंटर साहब से पूछना पड़ता है कि परेशान? परेशान होते हैं तो मतलब मैं खुद ही पहचान लेती हूँ, मैंने कि कुछ टेंशन से मैं लग रहा है, मैं पूछती हूँ मतलब आप कैसे परेशान हो, तो ये मतलब कह देते हैं कि मतलब परेशानी है, अब बात मत करे तू मेरे से, तू अलग हट जा, मेरा मतलब दिमाग सही नहीं है, तो मैं भी फिर सवाल नहीं करती हूँ आगे इतने कुछ के। वैसे देखो अपना मेरा विचार तो यह है जब पति परेशान हो तो उस समय तो आपको उनके पास रहना चाहिए। जब ये बात ही नहीं करते हैं तो फिर उस विषय बात नहीं करिए, बाकी अपना प्रेम प्रदर्शित कीजिए। नहीं फिर आगे को बोलते ही नहीं है तो फिर मैं भी चुप लगा जाती हूँ, फिर मैं भी अंदर चल जाती हूँ, ये बैठे रहते हैं टीवी देखते रहेंगे, जब बोलते ही नहीं है कुछ, मैं एक दो बार बोलती हूँ तो बोलते नहीं, जवाब नहीं दे मैं तो मैं फिर चुप लगा जाती हूँ। अच्छा राजकुमार जी एक बात बताइए, जैसे अभी पेंटर साहब ने बताया कि कभी फिक्स देने गए, क्या आपका मन नहीं करता हम दोनों साथ जाएँ फिल्म देखें कुछ खाएँ पिएँ इस तरह से? बच्चों का नाम देना, बच्चों के साथ तो माँ का होता ही है, लेकिन कभी ऐसा ही पल होता है कि जो हम आपस में एक दूसरा जीना चाहते हैं? ऐसा मन करता है पर जा नहीं सकते, हम क्या करेंगे, खुद ही तैयार ना होते हैं ऐसे ले जाने को, मैं तो कहती हूँ। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए शिव कुमार जी, क्या कभी आपने एक सरप्राइज होता है कि अचानक कोई खुशखबरी देना हो अपने पार्टनर को कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, इस तरह से कभी आपने सरप्राइज दिया है? ना ऐसा तभी तक कोई कुछ हुआ ना जब मैंने सरप्राइज दिया हो। अच्छा राजकुमार जी एक अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि घर में
गैस में छोटी बात हो गई, सब्जी में नमक तेज़ हो गया या कोई बात हो गई, उस बात पर पेंटर साहब कैसे रिएक्ट करते हैं? मतलब गुस्सा इसमें तेज़ी से आता है या टाल देते हैं या खा लेते हैं या किस तरह से कहते हैं? मतलब खा लेते हैं, बोल देते हैं वैसे कि इस सब्जी में मतलब नमक तेज़ हो गया कि मिर्च तेज़ हो गई, पर ऐसा गुस्सा नहीं करते हैं, खा लेते हैं। देखो आपने अपनी ज़िंदगी के दोनों पहलू देखे, शादी से पहले का भी शादी के बाद का भी, आप क्या परिवर्तन पाते हैं अपने व्यवहार में अपने नेचर में? शादी से पहले में कोई अंतर दिखाई देता आपको? हम बहुत अंतर है, शादी से पहले तो एक तरह मानो बेलगाम घोड़ा, ना किसी की सुननी ना किसी का कुछ, जो मन में आया वो करना जो मन में आया नहीं करना, और शादी के बाद एक जिम्मेदारी जैसा शुरू होती है बढ़नी, वैसे धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाता है। और अब ऐसा लगता है कि वो जो हमारा टाइम था वो हमारा बेफिजूल खर्च हुआ, उसके कोई मायने नहीं थे, लेकिन फिर सोचते हैं कि वो भी एक दौर होता है आदमी के साथ, लेकिन संतुष्ट इस लाइफ से। अच्छा राजकुमार जी, आप बताएंगे आपके शादी के पूर्व में और आपके जीवन में आप किस किस किसे बढ़िया मानती हैं, क्या क्या अंतर मानती हैं अपने जीवन में, क्या अंतर आया? शादी तो मतलब पहले तो मम्मी पापा ही थे, और फिर शादी के बाद में आप तो यही मतलब अच्छे लगते हैं, अब ऐसा मन नहीं करता कि मम्मी पापा के पास भी जाते हैं कि वहाँ जा मैं रहे, मैं एक दो दिन जाते हैं, एक दो दिन को तो ऐसे ही लगता है भाई घर पे चलें, हमारे पति देव मतलब अकेले हैं, उन रोटी के सब्जी की परेशानी है, मतलब कैसे रहते होंगे, तो जी हम फिर आ जाते हैं वहाँ तक बोल के अपने माँ बाप से। अच्छा ये जो गृहस्थ है इसमें देखो पति के साथ प्रेम लड़ाई सब चलती है आपके, फिर साहब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई कभी कभी होती है या अक्सर होती है या जल्दी जल्दी होती है पति पत्नी दोनों आपस में? ना हमारे में लड़ाई तो होती ना कभी बाई चांस, साल दो साल में कभी कुछ हो गया अचानक ही, बाकी फिर वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता, वही 10-5 मिनट के में ही एक दूसरे को नखरे दिखा के फिर मेल हो जाता है। अच्छा एक बात मैं यहाँ से यहाँ जानना चाहूँगा कि जब दोनों नाराज़ हो जाते हैं पहल कौन करता है बनाने एक दूसरे को? ये तो गलती के ऊपर डिपेंड है। अच्छा मान लो गलती हमारी है, हम अपनी हमारी गलती है तो पहले हमें मनाना पड़ेगा, और गलती दूसरे की है तो पहले वो हमें मनाएगा। देखिए गलती तो हमेशा आदमी दूसरी ढूंढता है जब लड़ाई होती है, अपनी गलती लगे तो लड़ाई नहीं हो, कभी आपने इन्हीं गलती होने पे भी मनाया नहीं मनाया? हाँ मनाए, एक दो दफ़ा मनाया है, लेकिन उसको उस मनाने में बड़ा आनंद आता है, जिसकी गलती आप उसी को मनाने हो तो बड़े वो फिर पल बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा राजकुमार जी बताया पेंटर साहब ने, कभी आपको जब भी मनाते हैं पहले तो बताएं ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। अच्छा जब भी मनाते हैं तो आपको देखो अच्छी बात है पति पत्नी को अच्छा लगता है क्या, तो कभी ऐसा भी हुआ कि गलती आपकी हो फिर भी उन्होंने सॉरी बोला हो? हाँ गलती जोक से मेरी सही, आप पहले मतलब यही बोलते हैं मेरे से, यही मतलब करते रहेंगे शुरुआत यही करते हैं, मतलब मैं नहीं बोलूँगी पर यही बोलते हैं, फिर मैं भी चालू में आदमी चलो बोल रहा है तो चलो हम भी बोल जाते हैं, ऐसा कुछ ना ऐसा तो चलती रहे जी। अच्छा पेंटर साहब बताइए ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी में कुछ हम अपनी पत्नी के लिए अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी में कुछ समझौते करते हैं, क्या कोई आपने राजकुमार जी के लिए अपने जीवन में कोई समझौता किया है? हाँ समझौता मैंने नहीं करा कि पहले मेरे जो रहन सहन खान पान बहुत अलग था मेरा, एक तरह से मानो के घर वाले कहते थे कि ये तो घर से है ही ना, और फिर दिमाग में आई कि भाई तेरी बीवी भी है बच्चे भी हो रहे हैं, अब ऐसी लाइफ रहेगी तो कैसे कटेगा, इसलिए मैंने वो लाइफ ख़त्म करके ये लाइफ शुरू करी, और यही मैंने सबसे बड़ा समझौता करा। तो आपको जो अपना जो फैसला था उस पर आज पछतावा होता है या गर्व होता है? मुझे अपने उस फैसले में बहुत सुकून मिलता है और गर्व भी होता है कि मैंने वो फैसला लिया, शायद उस फैसले को नहीं लेता तो स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होती। मतलब आपको लगता है कि मैंने सही पर सही निर्णय लिया अपने जीवन में और मैं खुश हूँ उससे? जी। अच्छा राजकुमार बताइए, जैसे बताया पेंटर साहब ने कि इन्होंने कुछ निर्णय लिए, तो
उस समय जब इन्होंने निर्णय नहीं लिया था उस समय आपको गुस्सा आता था, बुरा लगता था या दुख होता था? गुस्सा भी आता था, दुख भी लगता था, मतलब बहुत बात मतलब ख्याल आते रहते हैं मन में, मन की क्या करें, मेरे बाबा अपने बहुत गलत करा जो यहाँ पे शादी करके नहीं करते तो सही रहते, हम यहाँ पे मैं क्या सुख पा रही हूँ यहाँ पे, बोलते नहीं चलते नहीं, जब से मतलब गुरुजी के यहाँ पे आए हुए हैं जब से मतलब बहुत प्रेम बढ़ गया हम दोनों में। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया उन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन किया, कुछ समझौते किए, उसके बाद कोई शिकायत फिर इनसे नहीं? अभी अब जब तक कोई शिकायत नहीं है, जब तक तो प्रेम बढ़ता ही जा रहा है हमें, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है अब। यानी कि उम्र के साथ आप दोनों पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? हाँ जी जी हाँ, बहुत बढ़ रहा है और ये बढ़ना भी चाहिए। अगर प्रेम नहीं बढ़ेगा उम्र के साथ तो आने वाली लाइफ जो हमारी एक तरह से खुरदरी हो जाएगी, और अब लाइफ हमारी बिल्कुल बहुत बढ़िया है और बहुत आनंद है। कुमार जी, जैसा कि आपको पता होगा इस बार हम पांचवी प्रेम पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं, तो आपने अब तक कितने प्रेम पूर्णिमा व्रत रखे हैं अपनी पत्नी के लिए? मैं अभी बार पांचवी बार प्रेम पूर्णिमा व्रत रखूँगा, और इस व्रत को रखने से बहुत मन को शांति मिलती है और मन में जो भी कुछ वैसे विचार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ता ही बढ़ता है। अच्छा, पत्नी पे प्रेम बढ़ता है आपने बताया जैसा आपने, तो आप पत्नी आप बताइए राजकुमार जी, जब से इन्होंने प्रेम पूर्णिमा व्रत रखा है इनके व्यवहार में और प्रेम में और आचार विचार में आप क्या परिवर्तन पाती हैं? बहुत ज़्यादा ही है, मतलब प्रेम में भी वैसे भी व्यवहार में मतलब बहुत अच्छा है, मतलब सब बातें सही हैं अब तो। अच्छा, अब तक हम देखते आए थे एक पत्नी का ही अवसर होता है चाहे करवा चौथ हो अपने प्रेम का परिचय करने का, कि मैं अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, उसके लिए, फलाने के लिए, ठिकाने के लिए व्रत रखती हूँ। जब आपके लिए कोई व्रत रखता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमें, हमारे व्रत रखा है, पहले तो हम ही रह गए, पहले करवा चौथ व्रती मतलब अपने पति के लिए, अब पति मतलब हमारे व्रत रहते हैं प्रेम पूर्वक मतलब रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है जी। अच्छा, आप समाज को क्या मैसेज का संदेश देना चाहती हैं प्रेम पूर्णिमा के बारे में, जो आप अपने अंदर महसूस करती हैं अपने पति में प्रेम पूर्णिमा व्रत रखने के बाद, तो आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगी आप समाज को, जैसे कि जो समाज के लिए हो? मतलब हम कहते हैं और इनसे मतलब व्रत ऐसे रखो तो कोई समझदार तो रहते हैं व्रत, तो मतलब मैं अपनी दौरानी से कहती हूँ कि ऐसे हमारे घर से तुम्हारी दौरानी कहती, तुम्हारे तो बहुत अच्छे हैं जो तुम्हारे व्रत रखते हैं जी, हमारे तो कभी नहीं रहेंगे, मैं कि तुम बोलो नहीं इनसे जो व्रत रखें, ऐसा ही अच्छा लगता है कि ठीक है तब कहेंगे, पर वो करती नहीं है मतलब रह जाती हैं मतलब, पर हमें अच्छा लगता है हमारे पति व्रत रहते हैं हमारे ऊपर। अच्छा राजकुमार जी, एक बार सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे कभी आपने अपने गांव जाती है माता पिता के पास, भाई बहनों के पास, वहाँ बताया आपने कि मेरे पति मेरे लिए व्रत रखते हैं? जी बताया है, बताया मतलब अच्छा लगता है उन्हें भी, चलो हमारे दामाद मतलब मम्मी पापा नौ कहते हैं हमारे मतलब दामाद ऐसे रहते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगाएगी बात में। मतलब आपका संदेश ये है समाज में कि हर पति पत्नी को व्रत रखना चाहिए? हाँ जी। और पेठे साहब, मैं आपसे पूछ चाहूँगा कि जब से आपने ये प्रेम पूर्ण व्रत रखा है आपके व्यवहार का तो मैंने पता किया राजकुमार जी से, आप राजकुमार जी के व्यवहारों के परिवर्तन पाते हैं? जी, जब से हमने व्रत रखना शुरू करा है तो ये पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी हैं और हमें भी संतुष्टि मिल रही है कि भाई हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो जोड़ीदार है वो हमसे खुश है और ज़्यादा ही खुश है। अच्छा, आप कोई समाज को संदेश देना चाहेंगे प्रेम पूर्णिमा व्रत को लेकर? जी हाँ, ये मान के चलो कि सदियों से औरत ही अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती चली आई है, कहीं भी ये नहीं है कि जी पति को भी कुछ हमें पत्नी के लिए करना चाहिए, और जब से हमारे गुरुजी ने प्रेम पूर्णिमा व्रत का शुभारम्भ किया है, आज ये पाँचवा प्रेम पूर्णिमा व्रत आने वाला है, और हमें तो लगता है कि ये कायदे में ये सभी को मनाना चाहिए, हर आदमी को अपनी पत्नी के लिए व्रत रखना चाहिए, और इससे ये नहीं कि हमारा नाम होगा या होगा, इससे हमारे मन की शांति, हमारे आचार विचार सब शुद्ध होते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम जो और ज़्यादा बढ़ता है।
अच्छा बेटी साहब, एक सवाल पूछ जाऊँगा, हम समाज में रहते हैं, क्या कभी आपने समाज में दिखाया कि हमें अपनी मतलब पत्नी के बढ़ सकता हूँ, अपने दोस्तों को अपने मिलने वालों को बताया कि मैं अपनी पत्नी बढ़ सकता हूँ? हाँ, मैंने सबको बताया है, जो मेरे जानकार हैं, जिनसे मेरा मिलना जुलना है, मैं सबसे बताता हूँ। तो कुछ तो कहते हैं भाई, अरे यार तुम तो वो काम करते जो कोई ना करे। तो मैं कहता हूँ काम वही करना चाहिए जो कोई ना करे, उसी काम में आगे चल के फ़ायदा होता है। तब मेरे देखा था कि कुछ मेरे जानकार इस व्रत को रखने लगे और वो संतुष्ट भी हैं, और धीरे धीरे ये व्रत पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, हमें तो ये पूरी उम्मीद है। अच्छा, आपको शिकवाली इस व्रत में, प्रेम पूर्ण व्रत में कोई कोई ऐसी कोई खास बात हो, कोई बहुत अच्छी चीज़ लगी हो जो आप बताना चाहेंगे, जरा हमारे से बांटना चाहेंगे? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, ठीक है। पत्नी कोशिश करती है कि उसका पति लंबी उम्र तक जिए, तो क्या पति का फर्ज नहीं है कि उसकी पत्नी की भी उम्र लंबी हो? तो इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप व्रत रखोगे पत्नी के लिए, तो आपकी पत्नी की आयु भी लंबी होगी। भाई, वो आपकी आयु लंबी कर रही है, तो आपका फ़र्ज भी है आप उसकी लंबी आयु करो। ये ना कि मैं तो लंबी आयु हो जाऊँ, वो जल्दी निकल जाए, वो तो गलत है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें दोनों पति पत्नी की आयु लंबी होती है और सारी उम्र दोनों साथ रहते हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि पति पत्नी का जोड़ा साथ बना रहे हमारा दोनों का एक दूसरे से, और हम सदा खुश रहे। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी इस व्रत को रखें, मैं ही नहीं, जो भी इस व्रत को रख रहा है, वो मेरा यही कहना है, गुरुजी का भी आशीर्वाद रहे सब पे, कि वो पति पत्नी हमेशा साथ रहें और ऐसे ही व्रत मनाते रहें और औरों को इस बारे में जानकारी देते रहें। मैं मोहित जादौन, कैमरामैन सुषम तेवतिया के साथ सत्योम आश्रम से आज के लिए इतना ही। जय सत्योम सिद्धाय नमः। जय सत्योम सिद्धाय नमः। जय सत्योम सिद्धाय नमः। बोल गुरुजी महाराज।